हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर के आया हूं। और ये जो करंट अफेयर है, ये जनवरी 2018 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और इसे अभी तक जहां तक हो सकेगा मैं आपको ये कंप्लीट करवाऊंगा। और ये करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट किसके लिए है, तो इम्पॉर्टेंट उन सभी लोगों के लिए है जिनका 4 अगस्त से एग्ज़ाम है झारखंड के एक्साइज कॉन्स्टेबल का। उसके बाद जो स्पेशल कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरा देखें, एक एक चीज़ में बहुत अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि झारखंड के एग्ज़ाम में झारखंड का करंट अफेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल आपके लिए प्ले करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के माध्यम से झारखंड के सभी बेटियों को उनके जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40,000 रुपये। अब देखिए ये क्या है, अब बहुत से लोग इसे सुकन्या समृद्धि योजना से कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है, और सुकन्या योजना जो है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, ये झारखंड के सरकार के द्वारा चलाया हुआ है। इसमें जो आपको पैसे मिलेंगे वो पैसे किस प्रकार से मिलेंगे, तो एक बार में 40,000 नहीं मिलेगा, ये 18 साल की उम्र तक आपको 18,000 रुपये दिए जाएंगे। कैसे, तो सबसे पहले जैसे ही बच्चे का जन्म होगा तो माँ के खाते में 5,000 रुपये भेज दिए जाएंगे, और उसके बाद जब बच्ची दूसरी क्लास में, फिर पाँचवीं क्लास में, फिर सातवीं क्लास में, फिर दसवीं, आठवीं क्लास में, फिर दसवीं क्लास में और बारहवीं क्लास में पहुँचेगी, तो 5,000 रुपये उसको दिए जाएंगे। और उसके बाद जब वह बारहवीं पास कर जाएगी, उसकी एज 18 हो जाएगी, तो फिर से 5,000 रुपये उसे और मिलेंगे। यानी कि 12वीं पास करके 18 से 20 की आयु तक के बीच में उसे 10,000 रुपये मिलेंगे, और इस प्रकार से टोटल 40,000 रुपये हो जाते हैं। और ये जो हमारा स्कीम है, इसके तहत इसका जो काम है वो यही है कि महिलाओं को साक्षर बनाना और बाल विवाह पर रोक लगाना। महिलाएँ साक्षर होंगी तो उनके मजबूती मिलेगी और बाल विवाह से वो दूर हो पाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24 जनवरी को जो है इसे कोल्हान से शुभारंभ किया गया था, 3 जनवरी को झारखंड कैबिनेट के द्वारा इसे मंजूरी मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मोराबादी में आयोजित झांकियों में प्रथम स्थान किस झांकी को मिला है। तो देखिए, ये जो 17वां गणतंत्र दिवस हुआ था यहाँ पे मोराबादी में, यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो सभी चीज़ें मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर झांकी की बात हो रही है, तो जो झांकी जो प्रथम स्थान पे मिला है वो मिला है चुटिया के राम मंदिर को, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें, तो दूसरे नंबर पे ये जो है कौशल विकास की झांकी, इसे सेकेंड स्थान, और तीसरा स्थान मिला है मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्योग की झांकी। और अब दूसरी बात की मोराबादी में झंडा फहराया था किसने, तो यहाँ पे जो हमारी राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने झंडा फहराया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे मुख्यमंत्री ने कहाँ से झंडा फहराया था, तो इन्होंने दुमका जो झारखंड की उपराजधानी भी है वहाँ से इन्होंने झंडा फहराया था, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पे जो भी गेस्ट आए थे, जो भी पत्रकार या फिर जो भी लोग आए थे, तो उन सभी के लिए 3 रंग के पास इशू किए गए थे, नारंगी, सफ़ेद और हरा। तो याद रखेंगे आप, तिरंगे के रंग पे ही 3 रंग के पास भी इशू किए गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि मिसेज इंडिया 2018 प्रतियोगिता में, मिसेज इंडिया झारखंड किसे चुना गया था। तो ये जो है सही इसका आंसर है गुरदीप कौर, ठीक है, गुरदीप कौर को ये दिया गया। देखिए मिसेज इंडिया जो प्रोग्राम होता है ये 2013 में स्टार्ट किया गया था, और हर राज्य से मिसेज इंडिया के कंटेंडर्स चुने जाते हैं, और बाद में जो फाइनल होता है तो वहाँ पर यहाँ पे मिसेज इंडिया चुना जाता है। और इस बार अगर हम मिसेज इंडिया के विनर की बात करें, तो अवंतिका श्रीवास्तवा जो हैं वो मिसेज इंडिया की विनर रही थी। और जब आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा तो उस समय मिसेज इंडिया 2019 के कोई रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे, इसीलिए आपको 2018 का ही याद करके जाना है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली अधिकतम राशि कितनी है। तो अधिकतम राशि जो है
यहाँ पे दो तरह की राशियां दी जाएंगी आपको, अधिकतम और न्यूनतम। तो अधिकतम राशि जो है वो है 25,000 रुपये, ठीक है, अधिकतम राशि 25,000 रुपये, और कम से कम कितना आपको मिलेगा तो वो मिलेगा 5,000 रुपये। अब ये अधिकतम और न्यूनतम का क्या मामला है इसे मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे होगा क्या कि जो भी जितने भी किसान हैं तो उन सभी किसानों को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ यानी कि एक एकड़ पे 5,000 रुपये का मिलेगा, और मैक्सिमम 5 एकड़ तक उन्हें 25,000 मिलेगा, और उसके बाद भी अगर उससे भी ज़्यादा है तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बात है कि अगर किसी किसान को 1 एकड़ से कम ज़मीन है तो उन्हें भी 5,000 रुपये मिलेगा, यानी कि न्यूनतम राशि 5,000 रुपये मिलेगी। और अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, 5 एकड़ से ज़्यादा, 10 एकड़ है, 50 एकड़ है, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें 50 एकड़ है तो उन्हें 2,50,000 रुपये मिल जाएंगे, नहीं, उन्हें 25,000 ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, न्यूनतम 5,000 और मैक्सिमम जो है वो 25,000 रुपये तक यहाँ पे मिलेगा। और इसके इसका वजह भी है, ऐसा करना इसीलिए है क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, हमारे झारखंड का नहीं पूरे झारखंड का भी लक्ष्य है कृषि को 4 गुना करना, उस पर हम आगे बात करेंगे। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो कृषि का जो आय है उसे 2 गुना करना हमारा लक्ष्य है 2022 तक, तो उसी के तहत ये नियम उठाए जा रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत में गोल्डन कार्ड बनाने में झारखंड किस स्थान पर है। तो इसमें इस मामले में जो है वो इसका बहुत ही तगड़ा रोल है, पहले स्थान पे है झारखंड। वहीं अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे नंबर पे है गुजरात, तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे है उत्तराखंड, चौथे नंबर पे है यूपी और पाँचवें नंबर पे है एमपी, ठीक है, याद रखेंगे आप ये सब यहाँ पे है। अब देखिए ये आयुष्मान भारत योजना है क्या, तो आयुष्मान भारत योजना भारत का एक हेल्थ स्कीम है जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम है, जिससे भारत के 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ परिवार जो है वो लाभान्वित होंगे, जिसमें 5 लाख सालाना का हेल्थ कवरेज उनको दिया जाएगा। जो लोग इस आयुष्मान भारत योजना के पात्र होंगे, जो इसको उसकी पात्रता साबित करेंगे, तो उन्हें एक कार्ड दिया जाएगा, उन्हें एक कार्ड बनवाया जाएगा, और उस कार्ड का नाम है आयुष्मान गोल्डन कार्ड, ठीक है, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड। और इसे इशू करने में झारखंड सबसे ज़्यादा आगे रहा है, सबसे ज़्यादा इशू करे हैं, तो इसीलिए झारखंड पहले स्थान पर रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि वर्ष 2018 के उत्कृष्ट विधायक के रूप में किसे चुना गया है, वर्ष 2018 के उत्कृष्ट विधायक के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है मेनका सरदार को, ठीक है, मेनका सरदार को। अब देखिए ये जो उत्कृष्ट विधायक अवार्ड है इसे बिरसा मुंडा उत्कृष्ट सम्मान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और वहीं पे आप यहाँ पे विमल प्रधान को देख पा रहे हैं, तो विमल प्रधान जो है इन्हें वर्ष 2017 में उत्कृष्ट विधायक अवार्ड दिया गया था, और अभी तक कुल 3 महिलाओं को यही ये अवार्ड मिला है, एक तो मेनका सरदार हैं, दूसरी विमल प्रधान हैं, एक और हैं उनका मुझे नाम नहीं याद है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। वहीं अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि उत्कृष्ट विधायक सम्मान के तहत कितने रुपए दिए जाते हैं, तो उसमें आपको क्या है कि 51,000 रुपये की राशि जो है वो गिफ्ट करी जाती है, और यहाँ पर इस बार जो है ये सिर्फ मेनका सरदार को ही नहीं, मेनका सरदार के अलावा 5 विधानसभा के कर्मचारियों को भी इस बार 21,000 रुपये का गिफ्ट मिलेगा, इनाम मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम मेनका सरदार की बात करें तो मेनका सरदार जो है ये पोटका, याद रखेंगे आप, पोटका से बीजेपी विधायक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, अगला है कि 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रांची के मोराबादी में कितने विभागों द्वारा झांकियां प्रस्तुत की गई थी। तो कितने विभागों द्वारा की गई थी, तो कुल यहां पर 12 विभागों द्वारा झांकियां प्रस्तुत की गई थी, यानी कि कुल 12 झांकियां पेश की गई थी, जिसमें चुटिया के राम मंदिर को पहला मिला था, पहला पुरस्कार मिला था, वहीं लघु और कुटीर उद्योग को तीसरा मिला था, और कौशल विकास ने जो झांकी प्रस्तुत की थी उसे दूसरा स्थान मिला था। तो ये सब चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्र सरकार ने झारखंड के किस महिला को सामाजिक कार्य एवं पर्यावरण रक्षा के लिए पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये महिला है जमुना टुड्डू, ठीक है, जमुना टुड्डू को ये मिला है, और ये जो इन्हें मिला है
तो यही सामाजिक और पर्यावरण रक्षा के लिए मिला है। जमुना टड्डू टुड्डू जो है इनका एक उपनाम भी दिया गया है। उपनाम इनका क्या है? लेडी टार्जन। लेडी टार्जन याद रखेंगे आप, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लेडी टार्जन के नाम से किसे जाना जाता है, तो लेडी टार्जन के नाम से जमुना टुड्डू को जाना जाता है। और इन्होंने वन सुरक्षा समिति एक स्थापना किया थी, इनकी फाउंडर रही थी, तो ये भी आप याद रखें कि वन की रक्षा के लिए इन्होंने इसकी वन सुरक्षा समिति नामक एक समिति बनाई थी, तो ये भी आप याद रख लें। ठीक है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि जो पद्मश्री है ये भारत का, पूरे भारत का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने झारखंड के किस पुरुष को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना है? तो ये पहले हमने महिला की बात करी थी, अब पुरुष की बात कर रहे हैं। तो पुरुष में ब्लू इमाम को ये दिया गया है, और ब्लू इमाम 1942 में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने यही चीज जो पर्यावरण के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए ही इन्हें भी दिया गया है, जिस क्षेत्र में जमुना टुड्डू को दिया गया था उसी क्षेत्र में ब्लू इमाम को भी दिया गया है। इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रखें कि वर्ष 2011 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का प्राइज है, तो यहाँ पर उन्हें इससे भी नवाजा जा चुका है, याद रखेंगे आप। चलिए अगला देखते हैं कि लिट्टीपाड़ा के विधायक विधानसभा उपचुनाव में किस प्रतिनिधि ने जीत हासिल की है? तो यहां पर जीत हासिल करी थी साइमन मरांडी ने। देखिए, इस दौरान जो भी उपचुनाव हुए हैं उनके रिजल्ट पे मैं क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, हो सकता है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि झारखंड के किस गांव को शराब से मुक्त गांव घोषित किया गया है? तो ये जो गांव है, ये गांव है बन लुटवा गांव, जो कि रांची में पड़ता है, बन लुटवा गांव। और ये शराब से मुक्त का क्या मतलब हुआ? शराब से मुक्त का मतलब ये है कि उस गांव में एक भी व्यक्ति अब ऐसा नहीं है जो शराब पीता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति वहां पे शराब नहीं पीता, यानी कि शराब से वो गांव मुक्त हो चुका है। वहीं पे इस खुशी में जो ये घोषणा करी थी, ये डायरेक्ट हमारे मुख्यमंत्री ने करी थी, रघुवर दास ने करी थी, और 1,00,000 रुपए का इनाम भी यहाँ पे दिया गया था इस गांव को, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को वर्ष 2018 में मोस्ट इम्प्रूव्ड राज्य का अवार्ड मिला है? तो भारत के किस राज्य में, किस राज्य को मिला है? तो ये झारखंड को मिला है। आपको पता होगा कि वर्ष 2017 में जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था, तो उसमें भारत का जो धनबाद जिला है ये सबसे आखिरी स्थान पे आया था। तो इस बार इसे इम्प्रूव किया गया है, और इम्प्रूवमेंट में बहुत ही अच्छा काम किया है पूरे झारखंड राज्य ने, और इम्प्रूवमेंट के मामले में पहले स्थान पे झारखंड रहा है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे, ये सब चीज़ें बहुत ही एग्ज़ाम में कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको झारखंड का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और किसी भी राज्य के बारे में पूछा जाए, तो 80% चांस होता है कि आपको आपके ही राज्य के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन जो 20% दूसरे राज्य होते हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए ये सब चीज़ें आप याद रखें, आपको बहुत ही फायदा होगा। चलिए आगे देखते हैं 13th नंबर क्वेश्चन हमारा, कि 18वें एशियन गेम्स में झारखंड की मधुमिता ने कौन सा पदक हासिल किया था? अब देखिए, मधुमिता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनके बारे में आप समझ लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इन्हें कौन सा पदक मिला था, तो इन्हें पदक मिला था रजत पदक मिला था। और ये किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये खेल है इनका तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं, ये चीज़ आप याद रखेंगे। वहीं अगर हम 18th एशियन गेम्स की बात करें, तो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाए। तो याद रखेंगे आप कि भारत ने इसमें कुल 69 पदक जीते थे, जिसमें 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज मेडल थे। वहीं अगर फ्लैग बियरर की बात करें, तो ओपनिंग फ्लैग बियरर जो है वो थे नीरज चोपड़ा, और क्लोजिंग फ्लैग बियरर रानी रामपाल थी, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड के किस व्यक्ति को मास्टर कार्ड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो झारखंड के कोई एक ऐसे व्यक्ति जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस हैं, तो वो एक ही व्यक्ति हैं, महेंद्र सिंह धोनी को मास्टर कार्ड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आपने इन्हें टीवी के विज्ञापन वगैरह में देखा होगा, और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आपको पता ही है कि ये क्रिकेटर हैं, ये 2 बार इंडिया को लीड कर चुके हैं वर्ल्ड कप में। ठीक है, और ये पहले विश्व के ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने ICC के तीनों फॉर्मेट में टीम को खिताब दिलवाया हुआ है। तो ये एकमात्र ऐसे कप्तान हैं,
ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2018 में कौन सा विधेयक पारित किया है, कौन सा विधेयक ये पारित किया है। तो यहां पर जो है जो विधेयक पारित किया गया है वो विधेयक है धर्मांतर विधेयक, धर्मांतर विधेयक। अब ये है क्या धर्मांतर विधेयक, तो आपने अपने आसपास या बहुत जगह पे देखा हो कि जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है, ठीक है। अगर वो हिंदू है तो उसे किसी भी अदर में, क्रिश्चियन में या फिर मुस्लिम में, या फिर मुस्लिम है तो उसे ज़बरदस्ती हिंदू में, इस तरह चीज़ें हो सकती हैं आपके आसपास, आपने शायद न्यूज़ में पढ़ा हो, देखा हो, तो ये चीज़ें होती हैं। तो अगर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा तो उसे 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है या फिर 50,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है, या दोनों भी लग सकता है। तो यही चीज़ इस बार पेश किया गया था कि धर्मांतर विधेयक 2018 में, जिसके तहत जिसका जो धर्म है अपनी स्वेच्छा से अगर वो छोड़ना चाहे तो सही है, लेकिन आप जबरदस्ती से उसे धर्म चेंज नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा संविधान हमें हक देता है कि हम स्वेच्छा से अपना धर्म जो है वो चुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट है कि रांची विश्वविद्यालय का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था। तो ये रांची विश्वविद्यालय का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये मधुमिता कुमारी, मधुमिता को बनाया गया है, जो कि तीरंदाज हैं, जिन्होंने 18th एशियन गेम्स में तीरंदाजी में रजत पदक जीता हुआ है, ठीक है। रांची विश्वविद्यालय की बात करें तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि झारखंड के किस जिले में सभी घरों में पूर्ण रूप से बिजली पहुंच गई है। तो ये जो है ये है रामगढ़, याद रखेंगे आप रामगढ़। रामगढ़ जो है ये पहले एक सेपरेट राज्य नहीं, जिला नहीं था, ये पहले हजारीबाग के अंदर आता था, लेकिन 12 सितंबर 2007 को इसे एक नया राज्य घोषित किया गया, और 12 सितंबर 2007 को ये एक नया राज्य बना हजारीबाग से कट के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18th नंबर क्वेश्चन। दोस्तों एक और बात, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और इसे सभी दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि वीडियो पे अगर व्यूज अच्छे आएंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको पिछले 1 साल के करंट अफेयर क्वेश्चंस जल्द से जल्द कम समय में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विदेशों में काम करने वाले किसी झारखंड के व्यक्ति की मौत हो जाने पर झारखंड सरकार कितने रुपए देगी। तो ये जो है झारखंड सरकार कितने रुपए देगी, तो आपको याद होना चाहिए कि झारखंड सरकार 5 लाख रुपए उसे, उस परिवार को उसकी सहायता देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड सरकार ने किसानों की आय 4 गुनी करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो भारत सरकार ने 2 गुनी करने का लक्ष्य रखा है, कब तक, 2022 तक, और झारखंड इसे 4 गुनी करना चाहता है 2022 तक, ठीक है, याद रखेंगे आप इसे। चलिए 20th नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मई 2018 में झारखंड के गोमिया में हुए विधानसभा उपचुनाव में किस प्रतिभागी की जीत हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बबीता महतो, बबीता महतो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इसमें मैंने 20 क्वेश्चन ही कवर करे हैं, आप मुझे कमेंट करें कितने क्वेश्चन आपको चाहिए या फिर 20 क्वेश्चन ही चाहिए, मैं छोटी छोटी वीडियोस में आपको बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। एक दिन में अगर 2 वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, जो भी आपकी इच्छा हो आप कमेंट करें, और अगर ये आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है तो, और अपने सभी दोस्तों में भी इसे शेयर कर दें, फेसबुक व्हाट्सअप जहां भी हो सके, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही लेना चाहूंगा आपसे विदा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।